गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्री फ्रेंड्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने देखा था कि एक लड़का होता है, इस लड़के का नाम क्या होता है, नानू, और इसका एक फ्रेंड होता है एलिफेंट जिसका नेम होता है एली। ये दोनों फ्रेंड्स खेलने के लिए एक पौंड में जाते हैं, पौंड मीन्स तालाब, एक तालाब पर जाते हैं, वहाँ ये लोग वाटर में पानी में खेलते हैं। फिर इनको किसी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, कोई चिल्लाता है हेल्प हेल्प। तो नानू क्या करता है, एक बड़े से ट्री के ऊपर चढ़ता है और इधर उधर देखता है कि किसको हेल्प चाहिए। फिर नानू को एक बड़े से ट्री पर स्मॉल मंकी, छोटा सा मंकी दिखाई देता है। ठीक है, वह मंकी बहुत उदास था, वह मंकी उस पेड़ से, उस ट्री से नीचे नहीं उतर पा रहा था, इसलिए उसको हेल्प चाहिए थी। तो अब नानू उस मंकी की कैसे हेल्प करेगा, हम वो देखेंगे। HERECHES reaches, he reaches, THESMALL small, MONKEY monkey, he reaches the small monkey, reach means पहुंचना। तो नानू फिर उस छोटे से मंकी के पास जाता है, उस मंकी वाले ट्री पर वह चढ़ता है। HEHIM HIM TO CLIMB on HIS BACK he tells him to climb on his back। नानू उस स्मॉल मंकी को कहता है कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, पीठ पर चढ़ जाओ। ठीक है, बैक मीन्स इसकी पीठ पर और क्लाइम मीन्स चढ़ना। तो नानू उस मंकी को कहता है कि तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। THESMALL स्मॉल, द स्मॉल, MONKEY मंकी, CLIMBS क्लाइम्स, द स्मॉल मंकी क्लाइम्स, ON HIS HIS BACK द स्मॉल मंकी क्लाइम्स ऑन हीज बैक, मीन्स वह स्मॉल मंकी नानू की पीठ पर चढ़ जाता है। इस तरह से यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में दिख गया है कि वह स्मॉल मंकी किस तरह से नानू के पीठ पर चढ़ गया है। NANU नानू, SWINGS swings, नानू swings, FROM from, ONE BRANCH branch, TO2 ANOTHER another, BRANCH branch, नानू swings from one branch to another branch, swings means झूलना और branch means शाखा। तो नानू क्या करता है कि उस जिस पेड़ पर वो लोग थे, उस पेड़ से एक बेल लेता है और बेल को पकड़कर झूलकर नीचे आ जाता है। HERECHES reaches, he reaches, ELLE he reaches ELLE, he किसके लिए आया है यहाँ पर, नानू के लिए। तो फिर नानू क्या करता है कि उन बेल के थ्रू लटक कर झूल कर नीचे एली के पास, एली कौन था, एली उसका फ्रेंड है, नानू का फ्रेंड है। तो नानू एली के पास पहुंच जाता है। ELLE ELLE is HAPPY
TO2 SEEC the SMALL MONKEY monkey. Ellie is happy to see the small monkey. एली उस स्मॉल मंकी को देखकर खुश होता है. नानू इज हैप्पी और नानू भी बहुत खुश हैं. TH द SMALL स्मॉल MONKEY मंकी इज HAPPY हैप्पी. TOO द स्मॉल मंकी इज हैप्पी टू और वह स्मॉल मंकी भी बहुत खुश हैं. नाउ NOW नाउ NANU नानू एंड एली HAVE हैव ONE MORE मोर FRIEND फ्रेंड. नाउ नानू एंड एली हैव वन मोर फ्रेंड. Now means अब नानू और एली के पास एक और दोस्त है. His 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 NAME name is his name is मनु और इसका नाम क्या है मनु. तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा कि एक लड़का है नानू और उसका एक फ्रेंड होता है. फ्रेंड का नाम है एली जो कि एक एलिफेंट है. तो नानू और एली दोनों एक दिन तालाब पर जाते हैं पॉन्ड पर जाते हैं. वहाँ पर वो दोनों वाटर में खेलते हैं पानी में खेलते हैं. फिर उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है. कोई हेल्प हेल्प ऐसे चिल्लाता है. उन लोगों को आसपास कोई दिखाई नहीं देता इसलिए फिर नानू एक ट्री के ऊपर चढ़ता है. ट्री पर चढ़ने के बाद उसे एक बड़े ट्री पर स्मॉल मंकी दिखाई देता है. वह स्मॉल मंकी बहुत उदास है क्योंकि वह उस ट्री पर से नीचे नहीं उतर पा रहा है. फिर नानू उस मंकी वाले ट्री के ऊपर चढ़ता है और उस मंकी को कहता है कि वह मंकी नानू की बैक पर पीठ पर चढ़ जाए. फिर मंकी उसकी पीठ पर चढ़ जाता है. उसके बाद नानू एक शाखा से दूसरी शाखा तक लटकते हुए झूलते हुए नीचे आ जाता है और एली उस स्मॉल मंकी को देखकर बहुत खुश हो जाता है. इसी तरह से नानू भी खुश होता है और वह स्मॉल मंकी भी खुश हो जाता है क्योंकि अब वह नीचे आ गया है. और फिर नानू और एली को एक और दोस्त मिल गया जिसका नाम क्या है मनु. वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास. हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में करेंगे.